ऊर्ध्वमूल मदाशाखा स्वस्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस पर्णानि यस्यम वेदवित्। गीता का 15वां अध्याय पहला श्लोक। उसे अस्वस्थ वृक्ष कहा जाता है, भगवान नारायण का स्वरूप है। समुद्र मंथन के समय जो आपके दरिद्रा उत्पन्न हुई थी, पहली पत्नी उनको स्वीकार किया था, लक्ष्मी को स्वीकार करने पर उन्होंने असंतुष्टि व्यक्त की, तो अस्वस्थ रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो शनिवार को उस दिन माता लक्ष्मी का वास होता है, बाकी दिन दरिद्रता का वास होता है। इसलिए शनिवार के दिन विशिष्ट रूप से दीपक रखने का विधान है कि हमारी दरिद्रता नष्ट हो। और ये चूंकि शनिवार स्वयं इंद्र का भी दिन है और दिन में सातवां दिन माना जाता है, सातवां मतलब संपूर्ण, रविवार से शनिवार तक की गिनती की जाए तो सात होता है, और सात ही इसके कारण है। तो शनिवार शनि का हाई दिन, सत्य का दिन है, न्याय और दंड का दिन है, ये इसके अधिपति हैं। और दूसरी वाली बात, ये इंद्र का, शिव पुराण में शनिवार को इंद्र का दिन माना जाता है। तो हमें समस्त जो लौकिक भोग है, संसारिक सुख, वो यही देवता प्रदान करते, इसलिए हम सच्ची श्रद्धा से यदि तेल का दीपक जलाते हैं, आरोग्यता, शत्रुओं से हमारी बचत, और हमारे नाना प्रकार के उपद्रव जो घर में होते हैं, किसी भी प्रकार के हों, जैसा विद्वान लोग बताते होंगे, वो सब में शांति होती, इसलिए जलाना चाहिए।